हम तो चकाचौंध हो गए बिल्कुल मूवी देख के. मतलब 3 घंटे की मूवी, लगा था कि शायद एडिटिंग कोई कोई रैंडम सीन हो सकते, लेकिन एस एस राजामौली का जो विजन है बिल्कुल फिनोमिनल. इतनी माइंड ब्लोइंग मूवी है कि फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड टिल द लास्ट फ्रेम, मतलब आप देख के यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट, मतलब देखती रह जाएंगे, कहीं भी कोई फ्लॉ नहीं, इट्स कम्प्लीटली अनपैकेबल. बहुत 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 अच्छी लगी, बहुत ऐसा लग रहा था कि बस देखती ही जाओ, 10 बार भी देखूँ तो भी कम पड़ेगा. बहुत ही ऑसम मूवी है. और जो जूनियर NTR और रामचरण जिस भी फ्रेम में आए हैं, वो फ्रेम में उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा रोल किया है. मतलब वो नाचो नाचो गाना है, उसकी कोरियोग्राफी इतनी अच्छी है, एनर्जी इतनी अच्छी है, उन दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, दे हैव वंडरफुल कमेडी. एंड राजा मौली का विजन, हैट्स ऑफ टू हिम. मतलब मैं बोलता कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर उनसे मैच नहीं कर सकता, हॉलीवुड लेवल की मूवी. मुझे तो लग रहा था कि रामायण चल रही थी, लेकिन वो है बहुत बहुत अच्छी मूवी है. और ये पूरी देशभक्ति के ऊपर प्राउड फील होता है, मूवी देखकर एकदम प्राउड फील होता है अपने देश के लिए. कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमारी लाइफ बीत चुकी है, पुरानी चीज़ें, तो अंदर से ये चीज़ फीलिंग आती है कि हम इतने बंध के थे अपने देश में, तो फाइनली बहुत ज़्यादा इमोशनल तो बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं.